फरवरी का महीना बीतने को है लेकिन ठंड तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कुदरत ने जैसे कोल्ड वॉर छेड़ दिया है। अभी तो ठंड और भी कहर बरपाने वाली है। पहाड़ों पर जहां जमकर बर्फबारी होने के आसार हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के साथ पड़ने वाली है जबरदस्त ठंड। कभी बर्फ की चादर, कभी कपकपा देने वाली ठंड, कभी कड़क धूप, कभी कोहरे की धुंधली छाया। मौसम की ये कैसी माया, मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं, परेशान हैं। मौसम की इस आंख मिचोली से हलकान है। हफ्ते भर पहले सब लोग यही मानकर चल रहे थे कि अब तो ठंड गई, लेकिन पिछली 13 फरवरी से मौसम ने जो विकराल रूप दिखाया उसे देखकर लोग सहम गए। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां जमकर बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से लोग कांप उठे। यही नहीं, भयानक ठंड में हुई बारिश ने तो लोगों का जीना दूभर कर दिया। एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। पिछले 2-3 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर फरवरी लोगों को कंपाने वाली। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो 21 फरवरी की रात एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने वाला है। इसके चलते पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के आसार बन गए हैं। इस वजह से हमको उम्मीद है कि आज रात से ही पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ तक कि NCR दिल्ली में भी हल्की बारिश शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश या बर्फबारी आज रात से शुरू हो जाएगी। लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो 22 यानी कि कल शनिवार को होगी, जब पहाड़ों के साथ साथ या पंजाब हरियाणा के साथ साथ यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी बारिश होगी। और 23 तारीख से ये बारिश उत्तर पश्चिम भारत में समाप्त हो जाएगी, लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो पूर्वी भारत के जो इलाके हैं वहाँ बारिश 23 तारीख को जारी रहेगी। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में एक बार फिर से ठंडी हवाएं अपना असर दिखाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 फरवरी की रात से हवाओं की दशा और दिशा में एक बार फिर से बदलाव होगा। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में लेंगी, जिससे तापमान में और भी गिरावट होगी। लेकिन रेनफॉल का टाइम आपको लाइट रेन या मॉडरेट रेन है वो रात को आज 21:11 के बाद शुरू होगा। फिर आपको 23 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तक कभी भी इधर उधर 1-2 स्पेल ऑफ लाइट रेन, थंडर शावर चांसेस है। फरवरी में यूं तो ठंड का असर कम दिखाई देता है, लेकिन इस बार के मौसम में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। 13 फरवरी के वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर बरपाया था। पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी बर्फबारी हुई थी। इस बार का वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कयामत की शक्ल में आ रहा है। इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश के भी आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो फरवरी महीने के बीच में अब तक की सबसे ज्यादा ठंड पड़ सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री, 2-3 डिग्री गिर जाएगा, क्योंकि अब बादल आ जाएंगे। कल आज रात से हम कहने बादल आ जाएंगे, कल पूरा दिन बादल रहेंगे, बीच बीच में बारिश होगी, तो कल का दिन का जो तापमान है वो दिल्ली NCR के साथ साथ पूरे उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ काफ़ी गिर जाएगा। मौसम का मिजाज इस साल पूरी तरह से ऊटपटांग हो चला है। गर्मी के मौसम में सर्दी हुई तो ठंड के मौसम में गर्मी, और फरवरी महीने में जब लोग कंबल रजाई बांधने की तैयारी कर रहे होते हैं तब इस महीने में ठंड ने एक बार फिर वापसी की है। अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौसम अभी तो और भी कपाने के मूड में है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 तारीख को यहां पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और ये स्थिति 23 तारीख की सुबह तक जारी रहेगी। इसके बाद 25 और 26 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन आलोक दास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होगा। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कहर बरपाएगी ठंड।
पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। मैदानी इलाकों में होगी बारिश। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा पर आफत। चलेंगी बर्फीली हवाएं। कांप उठेगी जिंदगी। जी हां, जो ठंड दिसंबर में नहीं पड़ी, जैसे ठंड जनवरी में नहीं पड़ी, वैसी ठंड फरवरी में पड़ रही है। अमूमन फरवरी में मौसम गुलाबी रहता है, हल्की धूप रहती है, कोहरा छट चुका होता है, लेकिन इस बार तो फरवरी शायद जिंदगी का इम्तिहान लेने पर आमादा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 फरवरी की रात जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, उससे रात में ही बादल छा जाएंगे और 22 की सुबह से 23 फरवरी की रात तक पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप उठेगा। वैज्ञानिकों की माने तो गुजरात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर में 21 फरवरी की आधी रात से ही बारिश होने के आसार बन रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी के आसार हैं। इसके चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड अपना विकराल रूप दिखाएगी। बोला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, इसी एरिया में भी आज शुरू होगा, 22 पूरा दिन वहाँ पर भी होगा, आज कल परसों, मतलब प्लेन में साफ हो जाएगा, सिर्फ जेके एरिया में रहेगा। फरवरी का ये सितम आखिरी नहीं होगा, राहत सिर्फ एक दो दिनों की है। वैज्ञानिकों की माने तो 25 फरवरी को एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसके चलते फरवरी जाते जाते भी पूरे उत्तर भारत को कंपकपा देगी। ये जो सीजन है, ये ऐसा ही है कि ये बारिश अभी करंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 23 तक बारिश चलेगी, 24 को निकल जाएगी और 26 से दूसरा डब्ल्यू डी आ जाएगा, फिर दोबारा से एक बार दिल्ली में, NCR में हल्की बारिश या पहाड़ों में बर्फबारी दोबारा से होगी। मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में भी 25 तारीख के बाद आसपास अच्छी बारिश होगी। ठंड के लिहाज से देखें तो पूरा फरवरी महीना लुका छिपी खेल रहा है। कभी गर्मी हो जा रही है तो कभी हड्डियां गला देने वाले ठंडे मौसम के इस रुख पर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इस बार सर्दी देर से शुरू हुई, लेकिन सर्दी के देर से जाने की संभावना बन गई है। मौसम के जानकारों का कहना है कि फरवरी के महीने में इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बार बार बारिश के स्पेल आ रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस साल कश्मीर की घाटी में जोरदार बर्फबारी हुई। ठंड के चलते लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सैलानियों ने तो मौसम का खूब मजा लिया, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 3-4 दिनों से लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन ठंड की एक बार फिर से आहट ने लोगों को काफी डरा दिया है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या फिर कश्मीर, पहाड़ी इलाकों में इस बार की ठंड ने तो जैसे कयामत ही ढा दी। पूरा जनवरी महीना कश्मीर जैसे बर्फ की चादर में लिपटा रहा। कमोवेश यही हाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी रहा। इसके चलते जहां आम जनजीवन तबाह रहा, वहीं सैलानियों की पूरी मौज रही। कश्मीर में बर्फबारी के चलते लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद रहा। फिलहाल तो कश्मीर घाटी में ठंड और बर्फबारी से पिछले कुछ दिनों से राहत मिली हुई है, लेकिन इस बार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर घाटी में भी होगा। इसके चलते वहां ठंड फिर से बढ़ जाने के आसार बन रहे हैं। जो बर्फीली हवाएं हैं, उन्होंने एक बार फिर घाटी का रुख कर लिया है और ये असर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसके बारे में पहले ही मौसम जानकारों ने जो है आगाह किया था कि 22 से 23 फरवरी के बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दाखिल होगी, जिससे पहाड़ों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है ठंड कश्मीर में फिर लौट सकती है। आज और कल की बात की जाए तो तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। कश्मीर में होने वाली इस बर्फबारी और पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से कहीं ना कहीं उत्तरी राज्यों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कश्मीर के स्थानीय निवासी जो अब ठंड से राहत की सांस ले रहे थे, वो एक बार फिर असमंजस में पड़ गए। क्या पड़ेगा शाम तक, सब ऊपर वाले के हाथ में है।
पड़ना चाहिए, क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज जो है बिगड़ गया बराबर। इस बार के वेस्टर्न डिस्टरबेंस में एक बार फिर बर्फबारी होने के आसार हैं। यही नहीं, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस 25-26 फरवरी को आ रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फ की चादर तन जाने की आशंका बन गई है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। पिछले एक साल का मौसम अगर देखें तो इसका पूरा मिजाज उल्टा पुल्टा ही रहा है। गर्मी शुरू होते ही बारिश हुई थी, फिर बारिश के मौसम में बादलों का लंबा इंतजार करना पड़ा, ठंड भी काफी देर से आई, इन दिनों भी कभी गर्मी तो कभी तेज सर्दी। आखिर क्यों मौसम बदल रहा है अपना मिजाज? अमेरिका में इस बार हुई जबरदस्त बर्फबारी, जापान में भी हुई अभूतपूर्व बर्फबारी, इंग्लैंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बर्फबारी, दुनिया भर में मौसम कुछ अजब गजब होता जा रहा है। भारत की बात करें तो इस बार उत्तराखंड और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, तो वहीं फरवरी के महीने में बार बार बड़े इलाके में बरसात हो रही है। इस बार सर्दी बार बार पलट पलट कर आ रही है। वो तो बदलता रहेगा, ये अगर आप मैं मोटा मोटा बता दूं तो 26-27 से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 26-27 से दोबारा से बारिश एक बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड होगी, मैदानों में भी हल्की बारिश दोबारा से होगी, वो 26-27 तारीख से। ये आप देख रहे हैं, अब 3-4 तारीख का मैंने बता दिया आपको, 23-24 का 26 से दूसरी बारिश आ रही है। इस बदलाव के पीछे वैज्ञानिक प्रशांत महासागर में पैदा हुई अल नाडा कंडीशन को जिम्मेदार मान रहे हैं। अल नाडा यानी प्रशांत महासागर में तापमान में न ज्यादा तेजी और न ज्यादा कम। समंदर के न्यूट्रल तापमान की वजह से ठंडी हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से निकलकर ऊपरी अक्षांशों की तरफ जाती हैं, जिससे आर्कटिक सर्कल के आसपास के इलाकों में मौसम में जबरदस्त उलटफेर देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा शिकार इस बार अमेरिका हुआ है। इसी के साथ यूरोप में जोरदार बारिश के चलते वहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी। खास बात यह है कि इस बार साइबेरिया में उतनी सर्दी नहीं पड़ रही जितनी अमूमन पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की हालत जोरदार बर्फबारी से खराब है। कहीं पर अचानक सर्दी तो कहीं पर अचानक बारिश तो कहीं पर बेतहाशा गर्मी, दुनिया भर में मौसम का मिजाज अनिश्चित होता जा रहा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर इस पर नजर आ रहा है, वैसे वैसे इसके बारे में कुछ भी कह पाना एकदम संभव नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन आलोक दास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।